उसी खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 22 जून 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका नामा बाब 33 और 34 आयत में यूँ लिखा है, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। आमीन। जब लोग एक गूंगे शख्स को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए जिसमें बदरू थी, तो लोगों के ईमान को देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे फौरी शिफा बख्श दी, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। खुदावंद यीशु मसीह की शिफा असल वजह पर चोट लगाती है। उस शख्स के गूंगा होने की असल वजह बदरू थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पहले वो इलाज किया जिसकी वजह से वो गूंगा था, यानी बदरू को निकाला। जब बदरू निकल गई तो वो शख्स बोलने के लायक हो गया। आज इंसानी रूह पर जो शैतान का इख्तियार है, जब हम मसीह खुदावंद के पास आते, खुदावंद उस इख्तियार को खत्म करता, तो फिर हमारे होंठ खुलते हैं ताकि हम खुदावंद अपने खुदा की तमजीद और तारीफ करें। फिर हम उसकी गवाही में बोलने लगते हैं और हम उसकी निजात बख्श कामों को और उसकी कुदरत को जगह जगह बयान करते हैं। इस शिफा के नतायज क्या निकले? लोगों ने तो ताज्जुब किया, हैरान हो गए। हैरान बहुत होते थे, ईमान थोड़े ही लाते थे। खुदावंद यीशु मसीह जब भी कोई मौजजा करते तो दूसरे जज्बों की निस्बत तारीफ करने का जो जज्बा है ये जल्द उभरता था। लोग तारीफ करते थे, लोग हैरान होते थे, काश के वो ईमान भी लाते। जबकि दूसरी तरफ देखिए फरीसी, वो कुफर बकने लगे, वो कहने लगे कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो बिल्कुल इन खुले मौजज़ों के खिलाफ कुछ ना कह सके तो उन्हें इबलीस की कार्रवाई करार देने लगे कि गोया यीशु मसीह ने इबलीस के साथ कुछ साजबाज की हुई है। इसमें सिवाय कीना, झूठ और हद दर्जा की दुश्मनी के और कुछ नहीं। क्योंकि लोग हैरान थे, इसलिए फरीसियों ने मौजजे की वक्त को कम करने के लिए कुछ तो कहना ही था, लिहाजा उन्होंने ये झूठ गढ़ा कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। लेकिन हकीकतन आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो हर तरह की बुरी रूह पर भी इख्तियार रखता है और उसने अपनी कुदरत को जाहिर भी किया। जरूर है कि हम भी उसे अपनी मदद के लिए पुकारें ताकि हमारी रूह पर अबलीस के इख्तियार को वो ख़त्म करे और फिर हमारे मुंह खुलें ताकि हम ना सिर्फ उसकी हमदो तारीफ करें बल्कि उसकी गवाही देने वाले हों। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस नई सुबह के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को देखने के मुंतजर थे लेकिन वो नहीं देख सके। तूने हमें ज़िंदगी दी है, हम जिंदगी के लिए और सारी नेमतों के लिए जो हर रोज़ समय तेरी तरफ से मिलती हैं शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। और मैं ख़ास तौर पर उन भाई बहनों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। खुदा उन सारी दरख्वास्तों को तेरे सामने रखता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदा एक एक पर तेरा हाथ बढ़े, तेरा आसमान खुले और अपने लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक तेरा फजल उनके लिए जारी हो मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।